press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देर बाद मिले माशाल्लाह, उसके बाद क्या हुआ आपको वो पता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात की उन्होंने बात की, अमेरिका के साथ ताल्लुक बहुत जरूरी है, सुपर पावर के साथ हमारा ताल्लुक नहीं सही होगा हम वीक हो जाएंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुक इमरान खान साहब का कैसा होगा बहुत बड़ा सवाल, IMF से कर्जा ना लेने की बात हमेशा करते थे कि कर्जे का बायकॉट करें, अभी हम ग्रे जोन में है, आगे तक हम ब्लैक जोन में चले जाएंगे, तो कर्जे के बगैर तो नहीं चलेगा मुल्क, IMF के आगे हाथ इन्हें भी फैलाना पड़ेगा, IMF से बात इन्हें भी करनी पड़ेगी। चलिए मैं थोड़ा नॉर्मल एक सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रही थी कि IMF के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी कुछ अरसा, तो तब इमरान खान साहब आप किस तरह IMF के साथ ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि तो बहुत तंकीद करते रहे। अब दूसरी चीज ये जानना चाहूंगी आपसे, IMF के अलावा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात के सर ने बात की बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इंडिया की बड़ी मुदाखलत है और इंडिया की अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी सेटिंग है, इंडिया के बारे में तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया मुझे हराने के लिए, इंडियन मीडिया बड़ा खौफ ज्यादा था कि इमरान खान ना जीते, इमरान खान का इंडिया के साथ ताल्लुक कैसे अच्छा हो सकता है। देखिए बड़ा अच्छा आपका सवाल और बड़ा अच्छा मोड़ दे दिया ब्रिगेडियर साहब ने, और मेरा भी सारा दिन फोकस खारजा पॉलिसी पे रहा। देखिए खारजा पॉलिसी जो है उसे हमने इससे कबल जो पिछली हुकूमत थी उसने उसे पेवंदे खाक किया हुआ है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक्चुअली खारजा पॉलिसी का बॉस वजीर आजम ही होता है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर भी चाहिए ना, फातमी साहब मशीर थे, सरताज अजीज मशीर थे और एंड पे खजास वजीर खारजा बन गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सफारतकारों से कोई तलकात नहीं थे, लॉबिंग में हम बहुत पीछे गए, इंडिया लॉबिंग में बहुत हमारे ऊपर चढ़ गया और उसने बहुत प्रोपेगेंडा किया। सबसे पहले देखे हर एक का अपना अपना अंदाज है देखने का, मैं तो वो कहते हैं ना देख से दो चार चावल ही देखे जाते हैं पता चलता है कैसी होगी, सारी देख तो नहीं पलटी जाती। वजीर खारजा किसे लाते हैं, वजीर खजाना किसे लाते हैं, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर किसे लाते हैं, तीसरी बात मैं देखूंगा कि इमरान खान 18वीं तरमीम जो है उसके बाद जो सूबों के मामलात हैं उसको किस तरह फहमो फरासत से चलाते हैं इससे पता चल जाएगा। क्योंकि देख आपका IMF जो है उसका सिर्फ तलक वजारत खजाना से नहीं, एक्चुअली उसका तलक ही फॉरेन मिनिस्टर से है, और जाहिर है हम ग्रे एरिया से में हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इमरान खान के लिए ये मसला भी होगा। मैं एक छोटी सा पिछला रेफरेंस दे दूं, मियां नवाज शरीफ बड़े लकी थे, इसलिए लकी थे कि जरदारी को बहुत महंगा जो है पेट्रोल कुकिंग ऑयल और डॉलर मिला था, लेकिन इन्हें तो पेट्रोल आलमी मंडी में बहुत सस्ता हो गया, कुकिंग ऑयल बहुत सस्ता हो गया और अरबों डॉलर के लिए आपको लगता है चैलेंज काम है, डॉलर नहीं सॉरी अरबों रुपए तोहफा मिला आपको सऊदीया से, फिर सी पैक का ग्लूकोज की पूरी बोतल लगी आपको, इससे इकोनॉमिकली हमें बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए था। जिस तरह जरदारी का दौर शुरू हुआ था ना क्राइसिस थे इकोनॉमिकली, फिर उसी तरह इमरान खान को मिला डॉलर बहुत महंगा है, खजाना खाली है और ऑयल महंगा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बहुत बड़ा इम्तहान है, पहले 100 दिन में हनीमून पीरियड में पता चल जाएगा सारा कि इमरान खान किस तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने आज तकरीर की है, जो वो अपनी चीजें सेट करना चाह रहे हैं वो बड़ी आला है। अब बात आई इंडिया की, देखें बड़ी चवल मारी इसराइल ने, इसराइल मैं कल पेपर देख रहा था जो इसराइल टाइम है उसने जो दहशतगर्दी हुई थी उसको फोकस किया, ना कि हमारे इलेक्शन को। इवन आप देखें जो इंटरनेशनल मीडिया था, जो अरब न्यूज था, खलीज टाइम्स थे, उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि इमरान खान जो है वो बतौर वजीर आजम आ रहे हैं, फिर कल और आज जो बकवास इंडियन चैनल्स ने इतने किए इमरान खान के खिलाफ किए उससे एक चीज साबित होती है, मैं इसे लिंक नहीं करना चाहता। इस चीज का मुझे नहीं पता, देखिए फिजा हम फटाफट कहें जी मुझे इस चीज का भी पता था, मुझे उस चीज का भी पता था, मुझे नहीं पता था कि इमरान खान के हवाले से वो इस कदर बुग्ज रखते हैं, और मैं नहीं मानता था कि वो इतने लाभ करते हैं साबित वजीर आजम। एक सवाल पूछना चाहूंगी ना, देखें अगर हमारा दुश्मन किसी से इनसिक्योर हो रहा है, यानी इमरान खान से इनसिक्योर हो रहा है, इट मींस कि वो दुश्मन ये स्मेल कर रहा है दूर से कि इमरान खान पाकिस्तान को कहीं बेहतर ना कर दे। जाहिर है 100% देखें हमारे हम कमजोर हो इस पे एक जो इत्तेहाद है ट्राइका है
और वो ट्राइका मुसाद का है, वो आपको पता है, सॉरी मुल्कों का नाम लो तो इजराइल है, भारत है और अमेरिका है। सर परवेज मलिक साहब ने ज्वाइन किया, पीएम एरन सिंह का ताल्लुक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप भी क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन जो है उसमें रिगिंग हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं था, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो भाई कोई शक वाली बात नहीं कि ये रिगिंग बहुत एक भी पोल्स से हुई है और एक पोलिंग लेवल रिगिंग हुई है और पूरी कौम ने ये देखा है इस मामले में। कैंडिडेट के बाद तो बहुत सतर्क किया गया, उसको फोर्स किया गया है कि आप इधर करें इधर करें और फिर कहीं वो अरेस्ट कर लिया गया, कहीं वो और बेच दिया गया। पोलिंग डे वाला है जिसकी एक पहली तो बात है, कोई रिजल्ट जो है कोई 18 घंटे बाद मिला, जो लाहौर में वो इलेक्शन था और लाहौर में यहाँ पर था, ये बड़ी मशकूक हो जाती है। फिर हमें अरे बहुत सारे पोलिंग एजेंट बाद में किया गया, बहुत सारों को हाँ जो होता है कि जी लास्ट टाइम पे आप अंदर करते जो आपके सर्विसेज के अंदर होते हैं वो वेट करना पड़ता है। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates.